डायनामोस किंग पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका एक कमाल का दोस्त और हम लोग जाने वाले हैं डायनामोस की दुनिया में। तो चलिए डायनामोस वर्ल्ड की दुनिया में चलते हैं। हम लोग काफी दिनों बाद आ रहे हैं डायनामोस की दुनिया में। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायनाटिक्स में दो नंबर इंक्रीज हो चुकी है, जिसमें से एक तो इवोल्यूशन है और एक नहीं पता क्या होने वाला है, जो मैं सोच रहा हूँ वो तो नहीं है। ओ भाई, ओ हो, काफी ज्यादा बड़ा दिख रहा है ये लेजेंडरी। आखिरकार हम लोग इस वाले जो कि प्राचीन और लेजेंडरी डायनामोन था, ड्रैगन टाइप का, चाइनीज ड्रैगन डायनामोन, वो आ चुका है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है और इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, मतलब तो बेहतर होगा। गोल्ड टेम्पल है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चाइनीज़ फेस्टिवल यानी कि चाइना के एक त्यौहार में चलते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो इस चाइनीज़ लेजेंडरी डायनामोन के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। मैनिफेस्टो जो कि वॉल्केनिक एरिया का मतलब गुंडा है, और फिर क्लॉड जो कि क्लॉड कैसल का है, और उसके साथ सारे एलिट्स पड़े हुए हैं इस पीछे इस डायनामोन के। तो हम लोग पकड़ पाएंगे या नहीं पता, देखेंगे। वैसे हम लोग को कोशिश करनी है पूरी की पूरी इन सभी को रास्ते से हटाने का। तो ये डार्क एलिट आ चुकी है जो कि क्लॉड के लिए काम कर रहे हैं, तो देखते हैं। ओके, तो वो चाइनीज ड्रैगन को पकड़ने ही वाला है क्लॉड, तो हम लोगों को रोकना होगा क्योंकि हम लोग सबसे आगे आ चुके हैं। आपको पता होगा पहले हम लोगों ने कितना ज़्यादा संघर्ष किया है इस चाइनीज ड्रैगन को पकड़ने के लिए। ट्राई करते हैं, हम लोग अपना पूरा बेस्ट देंगे क्योंकि हमारे पास सबसे ताकतवर डायनामोन्स होने वाले हैं, ताकतवर ताकतवर। और क्लॉड हम लोगों को धीमी करना चाहता है। चलो, हम लोगों के पास होने वाला है टायरेक्सार और टायरेक्सार। तो आप लोग बोलोगे कि ये कैसे मिला है, मैं उसका शॉर्ट्स वीडियो जल्द से जल्द बनाने वाला हूँ, जिसमें कि हम लोगों ने क्लेम किया था हर एक रिवॉर्ड्स, दो दो टायरेक्सार आ चुके हैं, जिसमें किंग प्राइज में शायद टायरेक्सार ही था। तो उनके पास होने वाला है डगरिक्स और उन्होंने कर दिया जहरीली दांत। चलो 55 लेवल वाले टायरेक्सार को भेजते हैं और दहाड़ते हैं। इनका एक स्पेशल अटैक है टेरर स्क्रीम, यानी कि शायद खौफ की चीख। ये मुझे नहीं पता नाम कैसे होगा, मैंने अभी जस्ट सोचा है, तो हो सकता है सही भी होगा। चलो ट्राई करते हैं। वैसे कमाल का डायनामोन है टायरेक्सार, लेकिन वो लोग वो नीली पीली बेरीज खाकर अपनी डिफेंस बढ़ाएंगे। 45 लेवल पे है तो 55 लेवल का डिफेंस हासिल कर लेंगे वो लोग, लेकिन हम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। ओह भाई नहीं, फर्क पड़ेगा क्योंकि वो लोग दो दो बंकर बेरीज खा चुके हैं और लास्ट वाले डायनामोन के साथ बैटल होगा और उसको पकड़ेंगे तो हम लोग पूरे डायनामोन लीग में सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे। मतलब समझ रहे हो ना, सबसे ज़्यादा ताकतवर। हर एक ऑनलाइन वाले प्लेयर जो भी आएंगे डायनामोन लीग यानी कि ऑनलाइन अरेना में, तो उन सभी को हम लोग पछाड़ देंगे। उस वाले बहुत ज़्यादा बड़ा साइज होने वाला है, उनका स्पेशल अटैक वगैरह सब कुछ हम लोग भापेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को इस डार्क एलीट जो कि चुड़ैल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये डार्क टाइप की मतलब जो भी हो मास्टरी है एक तरीके से, और ये लेकिन विलेन के लिए काम कर रही है, तो हम लोगों को इसे हराना होगा भाई। अच्छा हुआ कि ये लोग सारे आइटम्स अपने इस वाले डायनामोन पे ही इस्तेमाल कर रही है, इस वाले डार्क टाइप डायनामोन पे ही। डगरिक्स वैसे आप लोगों को मिल सकता है अगर आप लोग टॉल पाइंस में, पुराने वाले टॉल साइज पे मिलता था वैसे, और लेटेस्ट वाले पे शायद लेजेंडरी केप में मिलेगा मेरे ख्याल से उसका अंडा, तो वही है बस, और उसको इवॉल्व कर सकते हैं डगरिक्स में। लेकिन आगे में देखते हैं इसके पास कौन सा वाला डायनामोन आने वाला। मेरे ख्याल से अमोरैंथर होगा, नहीं तो जोनाइसस होगा, या नहीं पता मेरे को, हो भी सकता है शायद, ट्राई करते हैं। अमोरैंथर मुझे लगा था। चलो हमारे पास आने वाला है यही टीरेक्स वाला डायनामोन टायरेक्सार। अभी दहाड़ते हैं और अपनी डिफेंस को भी बढ़ा लेते हैं। वाओ, काफ़ी कमाल का डैमेज देता है ना टायरेक्सार। वैसे है अच्छा भाई, जहरीली दांत पे जहरीली दांत किए जा रहे हैं, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे मतलब पॉइजन का असर होगा, जहर का, वही मतलब बीमार हो चुके हैं वो लोग। तो ये पोकेमोन गेम्स नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी इसमें सिक लिखा आता है, पॉइजन नहीं तो पॉइजन का पर्पल वाला होता है इफेक्ट हल्का सा। ओ हिप्नो कर दिया, अब तो मुश्किल हो जाएगा, सर चकराया, कंफ्यूज कर दिया एक तरीके से। मेरे ख्याल से चलो इसका इस्तेमाल करता है दूसरे वाले टायरेक्सार का, दो। ओ वाह वाह वाह, काफ़ी कमाल का। अभी हम लोग एक बार और, ओ बियर मोरिक्स भालू वाला उसका डायनामोन आ चुका है डार्क टाइप में, जो कि जिसकी ढाल थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी डिफेंस ज़्यादा होता है, डिफेंसिव टाइप है। आप लोग उसका देख के ही बता सकते हैं, उनका जो आर्मर है वो थोड़ा सा डार्क सील्ड से बना होगा, हल्का सा डार्क मटेरियल से।
लेकिन गोल्ड टाइप हमेशा डार्क के खिलाफ ताकतवर ही होता है, तो हम लोगों को काफ़ी तगड़ा एडवांटेज था, अच्छा खासा हम लोगों ने चूज़ किया था। और नेक्स्ट टाइम में और सारे एलियट्स को हम लोगों को कोशिश करेंगे कि अपने एडवांटेज वाले टाइप वाले डायमोंड से ही हराए। नाइटफॉल से हम लोगों की एमिंग कम करना है रात के कोहरा वाले हमले से। मेरे ख्याल से वक्त आ चुका है इसका इस्तेमाल करने का, बैक फायर ना कर दे बस। यस, बहुत बेहतरीन, हमारा बात सुन लिया टेरिक्सार ने और हरा दिया आखिरकार हम लोगों ने। चलिए चलिए देखते हैं, डार्क वाले ट्रेनर को हम लोगों ने हरा दिया ही, हमारे सारे डायमोंड्स अपने आप हिल हो चुके हैं क्योंकि अनलिमिटेड फ्री हील ऑल है तो वो अपने आप होंगे। तो आपको पता होगा ये चाइनीज योद्धा हमारी जो फ्रेंड है मी लियान, उसका मतलब जो भी हो वही थी मतलब। तो ये बोल रहे कि मेरे परिवार वालों ने सारे मतलब गार्ड्स वगैरह ने घेर लिया हुआ था, आपको पता होगा इस लड़की को, तो हम लोग भी थोड़ा बहुत मदद कर रहे थे लेकिन, और इसके परिवार वाले भी आ गए थे, गांव वाले भी आ गए थे अपने डायनमोन के साथ, तो डायनमोन बैटल में हरा दिया पूरे गार्ड्स सबको। और हम लोगों को मौका मिलेगा मेरे ख्याल से, तो ये बोल रही कि हम लोगों को बोल रही है, लड़की मैं जा रही हूँ क्लॉड के पास, क्या मैं तुम्हें तुम पे विश्वास कर सकती हूँ कि तुम इलीट टीम को रोक पाओगे? वो डार्क इलीट नहीं थी, वो डार्क टाइप की ट्रेनर, वो सभी इलीट्स हैं, तो उसके फायर टाइप आते हैं, वाटर टाइप आते हैं, इलेक्ट्रिक टाइप आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो ये बोल रहे कि क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ? अरे बिल्कुल, आंख बंद करके भरोसा करो मिलियन। अच्छा हम लोग तो बस तुम्हारे लिए आए हैं, मतलब इस ड्रैगन के लिए आए हैं एक तरीके से। आई मीन क्या बताओ, तो ओके चाइनीज योद्धा को मतलब जाने दिया। ओके देखते हैं कैसा हम लोगों की मदद करती है मिलियन उस ड्रैगन को पकड़ने में, आई मीन मजा ही आने वाला। ओके चलो चलो ठीक ही है, ये मांग और एक फालतू का मैंने क्यों रखा है भाई। वैसे ओ नो, एक और इवोल्यूशन, मैं इवॉल्व करना ही भूल गया। अरे यार मैं हमेशा, कसम से बता रहा हूँ, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इवॉल्व सबसे पहले करूँगा और फिर डायनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगी, और डायनेटिक्स कंप्लीट होने पे कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह मिलना चाहिए। ओके मेरे पास नहीं 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 बंकर बेरी का इस्तेमाल करवा देंगे ओके उसका, क्योंकि उनकी HP कम है तो बंकर बेरी का इस्तेमाल कर लेंगे इस वाले डायनामोन पे ही, तो बेहतर होगा मेरे ख्याल से। अब हम लोगों को ज़्यादा हमला वगैरह उस पर नहीं करना है, दो बंकर बेरी उस पर इस्तेमाल करवा देना है, नहीं तो वो उसके दूसरे वाले डायनामोन ने यूज़ कर लिया तो बहुत घाटा हो जाएगा हम लोगों को। देखते हैं हम लोगों के पास कोई ऐसा हमला है जिससे हमला ना हो, मतलब डैमेज ना पड़े उसको। अरे यार गड़बड़ हो गई, चलो तो हमारे पास भी एक तरकीब है, वैसे कन्फ्यूज ही करते हैं उसको, दो बंकर बेरी करते बस, लेकिन फिर भी दिक्कत हो जाएगा हल्का सा। हाँ कन्फ्यूज कैन, और एक बंकर बेरी करने का, अगर एक भी बंकर बेरी अगर नेक्स्ट वाले डायनामोन पे कर लिया तो दिक्कत हो जाएगा। ओके 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 ओके, उन्होंने बंकर बेरी इस्तेमाल किया तो हम लोगों को एकदम हल्का सा हमला करना है, मर ना जाए बस, लेकिन 55-45 का। ओके यस यस यस, एक और बंकर बेरी इस्तेमाल कर ले, बहुत अच्छा, हम लोगों ने उसका बंकर बेरी वेस्ट करवा दिया। अरे रूट अब कर भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरा कहने का मतलब है, लेकिन फिर भी कर लो, अगर बच गए तो ये सह लिया ये वाला हमला तो पीली बेरीज भी कर लेगा। वाह कमाल का। अब हम लोगों के वो जो वाटर एलीट है, मतलब ये सभी ज़्यादा लड़की ही है, मतलब एलीट्स वाले होते हैं, तो एक वाटर एलीट हो गई और एक डार्क एलीट, वो दोनों लड़की है, और बाकी बाद फायर एलीट हो गया, इलेक्ट्रिक एलीट हो गया, और हाँ डायमंड एलीट भी लड़की है, ये लोग लड़की ही बनाते हैं मेरे ख्याल से, गोल्ड एलीट लड़का होगा हो सके तो, देखते हैं कौन होने वाला है। तो गोल्डन अल्ट्रा ब्लास्ट से क्रिटिकल हिट दिया लेकिन हमारे अटैक को उन्होंने कम कर दिया था मेरे ख्याल से। ओके हाँ, और ये है नेचुरली तरीके से डिफेंस बढ़ाने का जरिया, टेरर स्क्रीन से भी हमारी डिफेंस थोड़ी सी बढ़ती है, इसके पीछे का साइंस क्या है मुझे भी नहीं पता, लेकिन बढ़ती है मतलब धारने से बड़ा ढाल कैसे बढ़ सकती है, वही तो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन गोल्डन शील्ड से बढ़ सकती है, हमारे पास भी गोल्डन शील्ड है, उन्होंने बर्फ वाला शील्ड किया हुआ था, हम लोगों ने गोल्ड शील्ड भी हम लोग कर सकते हैं वैसे। और सुनहरी दांत तो कमाल के होते हैं, सुनहरी दांत और फिर वही डायमंड वाले दांत, अभी धारो और डिफेंस बढ़ाओ अपनी, कमाल का ये अटैक ताकतवर होता है वैसे। और हम लोग सोच रहे हैं कि अरे क्या करें, अब हमारे पास कोई अटैक वाला है ही नहीं हमला, चलो हम लोग अपनी डिफेंस और एम बढ़ाते हैं, डिफेंस एम और HP तीन चीज़ बढ़ेगी हमारी इससे। और फिर से बर्फीली ढाल कर लिया उन्होंने, बर्फ के पत्थर से वो लोग अपने आप की शील्ड बढ़ा देते हैं, डिफेंस बढ़ा लेते हैं मेरे कहने का मतलब, हम लोग अब गोल्डन शील्ड करेंगे मेरे ख्याल से।
उनका नकल करने का कोशिश करते, कंफ्यूज करने का कोशिश किया इन्होंने पंख के मदद से, मेरे ख्याल से बहुत तेज उड़ता होगा। और गोल्डन मतलब डिफेंस बढ़ाने की हम लोगों को जरूरत है नहीं वैसे। अब चलते हैं, दो बार उसने नोचेंगे और एक बार अगर कोई हमला आ गया, मेरे ख्याल से अल्ट्रा गोल्डन अल्ट्रा ब्लास्ट वगैरह आ गया, तब तो एक बार में ही जाएगा क्योंकि उनकी डिफेंस तब तक कम हो चुकी होगी। गोल्डन अल्ट्रा हम लोग डिफेंस कम कर रहे हैं, ये लोग डिफेंस बढ़ाते जा रहे हैं। हम लोग सोचा था कि आ जाएंगे, लेकिन ट्राई करते हैं फिर भी, एक और डिफेंस कम कर देंगे। ओके, उन्होंने वाटर ब्लास्ट कर दिया। अब हम लोग, ये ब्लास्ट नहीं है, ये बीम है, गोल्डन अल्ट्रा ब्लास्ट से ज़्यादा डैमेज देता है। वैसे विंटर चिल्स कर दिया, हम लोगों की अटैक कम कर दी, कोई बात नहीं, अब हम लोग उनके डिफेंस कम करेंगे, अपने एचपी बढ़ाएंगे। ओके, अब मेरे पास मुझे समझ आ चुका है कि हमारे जो 50 लेवल वाला टेरेक्जार है, अब तो यकीन हो चुका है मुझे 50 लेवल वाले टेरेक्जार का हमला उससे ज़्यादा ताकतवर होगा, इतना पता चल चुका है, क्योंकि उनकी दो बार तीन बोला था मैंने, इतना ज़्यादा डैमेज दिया, तो 50 लेवल का ही इस्तेमाल करना बेहतर था, क्योंकि उन्होंने इतनी बार हमारी मतलब अटैक कम कर दी थी, विंटर चिल से किया और फ्रोजन मिस्टे भी कर दिया, और उन्होंने डिफेंस बढ़ाया था, तो हम लोगों ने हरा दिया आखिरकार। टेरेक्जार का इस्तेमाल किया, लेकिन अगले बार अगर देखती कोई और इलीट हुआ तो हम लोगों को उसको हराना होगा वैसे। और आखिरकार उस डायनोमोन को पकड़ने में मजा आया। ओह हाँ हाँ हाँ, और मेरे पास एक तरकीब है, मैंने क्लॉड को दी। अरे भाई, क्लॉड बहुत आगे जा चुका है, हम लोगों को कैसे भी करके रोकना होगा। इन्होंने मास्क वगैरह पहन लिया, मिल लिया भाई, ये चाइनीज़ योद्धा, मतलब चाइनीज़ नाइट, और चाइनीज़ नाइट, नाइट का मतलब क्या होता है एंटोनियो, नहीं पता मुझे, फेमिनिन क्या होता है नाइट का, हाँ वो, ओके ओके ओके, चाइनीज़ योद्धा कैसे भागी, भागी, हाँ भागी बोलना पड़ेगा। ये मैटर नहीं करता, ये मायने नहीं रखता, और अब मैं इस चाइनीज़ योद्धा को खुद ही संभालूंगा। ओह, कमज़ोर समझ रहा है मिलियन को, लेकिन वो लोग, हम लोग इतना ही ताकतवर है वो लड़की, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग लिया है अपने फादर वगैरह से, उन्होंने बताया था वैसे। चलो, हम लोगों को एक डायनामोन था, उसका भी इवॉल्व करते हैं, मांगोरिक्स तुम जाओ और इसको देखते हैं कि इसका कैसा होने वाला है। मेरे ख्याल से मैंने इतना कुछ देखा नहीं है इसका, चलिए ये छोटा है थोड़ा सा, मकरा वाला डायनामोन, इसका छोटा वाला रूप होगा मेरे ख्याल से, तो उसको भी रख लेते हैं, तो जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि मतलब ये कैसा है बेसिकली। आई मीन वो छोटा वाला देखते हैं, नहीं तो मैं, हाँ हाँ यहाँ है ये अरे यार, ये भी इवोल्यूशन ही है, मेरा कहने का मतलब है, होगा मेरे पास, होगा होगा, या फिर नहीं भी होगा, मैंने चेक नहीं किया था वैसे, मैंने देखते हैं कहाँ है। ओके भाई, हाँ यहाँ यहाँ, ये मकरा वाला डायनामोन है, टेरेक्जार तुम यहाँ पे आ जाओ, टेरेक्जार वहाँ पे आ जाएगा वैसे, तो चलो ये मकरा वाला डायनामोन है, इसका इवोल्यूशन ये है, और इसका थर्ड इवोल्यूशन आएगा मेरे ख्याल से, तो चलिए थर्ड इवॉल्व करते हैं। आर्कोनॉइड इसका नेम है, और इसका थर्ड इवोल्यूशन देखने वाले हैं। ओह, बहुत बड़ा हो गया साइज में। ओके, ये मुझे याद दिला रहा है, ओह हाँ बिल्कुल, मैं भी देखा करता था, आई मीन देखा क्या करता था, मुझे पसंद है जो क्लासिक बेंटेन है, बेंटेन एलियन फोर्स, उसका जो एलियन मंकी नहीं होता है, वो एलियन, वो कमाल का मतलब एलियन था स्टार्टिंग के लिए, तो वो एलियन की तरह इसका लुक है, पूरा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा लुक है, मुझे याद है वो हल्का सा नीला कलर का होता था, स्पाइडर मंकी शायद उसका नाम था या कुछ वही था। तो ये बोल रहे कि इसके पांच आँखों, हाँ पांच ही आँखें, मुझे लगा छः आँख है, क्योंकि ऐसे ऐसे जानवरों के ज़्यादातर छः पैर होते हैं, आई मीन कीड़ों वगैरह के छः पैर होते हैं और आठ भी होते हैं, आर्थ्रोपॉड्स। ओके ओके ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ खास हमले नहीं है, इनकी डिफेंस ज़्यादा है और एम है, तो वही अर्कटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, और एक ये बच्चा बेचारा छोटा ही है, आई मीन छोटा से इतना बड़ा होगा ये, इसे नहीं पता है कि ये इतना बड़ा हो सकता है, इसे कभी और बड़ा किया जाएगा, तो हम लोगों को अब टीरेक्स का हम लोगों का इस्तेमाल नहीं करना है टीरेक्स का, तो हम लोग इसे रख लेते हैं, और एक इसे रख लेते हैं, वो अर्थ एलीट होने वाला है ये थोड़ा सा, हाँ मैं अर्थ एलीट के बारे में भूल गया था, अर्थ एलीट भी एक बूढ़ा, हल्का सा बूढ़ा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन है फिर भी थोड़ा सा, आई मीन इसका तो अलग ही है भाई, इसका कैरेक्टर अलग है इस गेम में। ओके ओके ओके, क्लॉड ये बोल रहा है कि बॉस जरूर से ज़रूर चाइनीज़ योद्धा को हरा ही देंगे। ओके, तो उनके साथ बैटल होने वाला है। ओह, इसका पीछे का भी मतलब लुक, ये थोड़ा सा बड़ा तो हो गया है, ये मंकी मतलब स्पाइडर, सॉरी हाँ, इसका नाम था आर्कटिक्स,
और इसके पांच आंखों मतलब है होते हैं थोड़ा सा मकरा, थोड़ा सा खुकार होता है, ये थोड़ा सा और डरावना बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी की जो डिजाइनर है मेरे ख्याल से, जो डायनामोस वर्ल्ड के डायनामोस वगैरह डिजाइन कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा क्यूट नहीं बनाना चाहते हैं, मतलब वो लड़की नहीं होगी मेरे ख्याल से। आई मीन कुछ भी हो सकता है, मैं बस गेस करना चाहता हूँ, क्योंकि लड़की लोग जो डिजाइनर वगैरह होती है तो वो थोड़ा सा क्यूटनेस उसमें डाल देती है, और ये जो होगा डिजाइनर जो वो कोई मतलब कोई अंकल के इसके ही होंगे, मैं मानता हूँ थोड़े से मतलब उस टाइप के होंगे। मैं अपना बस ओपिनियन दे रहा हूँ, वही होगा ही मुझे यकीन है। तो वही हम लोग हराते हैं इसके मगरमच्छ वाले डायनामोन का, लेकिन ये वाटर टाइप होना चाहिए था क्योंकि ये मगरमच्छ है, लेकिन फिर भी अर्थी टाइप है, हरा कलर का है। तो ये लोग रंग से करते हैं भाई, वाटर टाइप बनाओ यार, मगरमच्छ है सारे चीज़ में, टोटोडाइल हो गया, क्रोकिनॉस हो गया, सॉरी क्रोकोनाओ हो गया, तो और वो सब हो गया ना, फेरलीगेटर हो गया, तो वो सब वाटर टाइप बनाया गया है मेरे ख्याल से। तो ये लोग लेकिन कलर से कलर बेसिस पे बनाया है इन्होंने। तो सबसे पहले जो आने वाला था मगरमच्छ वाला डायनामोन, तो मुझे लगा कि वाटर और अर्थ टाइप दोनों होगा, लेकिन इसमें डबल टाइप वाला कुछ है ही नहीं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ठीक हुआ कि ये लोग हील स्प्रे का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, नहीं तो बंकर बेरी इस्तेमाल करने के बाद हील स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनका एचपी और धीरे धीरे मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगा। और डायमंड फॉग है तो इसका इस्तेमाल अब भी कर, ओ भाई डैमेज तो अच्छा खासा दे रहा है भाई। चलो 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। अब हम लोग डायमंड सावर यानी कि भाई वो भाई, इन्होंने अटैक वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब एक अटैक में हम लोग जाएंगे, प्लीज एक अटैक सह लेना, नहीं तो टीडोनिक्स हमारा कुर्बान। ओ बहुत बेहतरीन, उन्होंने पत्थर की ढाल गलत टाइम पे किया, जब मरने वाले हैं तभी किया। ओ नहीं भाई, ओ भाई भाई भाई, ऐसा होता है, बहुत बार होता है। उन्होंने ईटिंग प्लांट करके हमारा ही एचपी सोख लिया। ओ हिप्नो हो गया, अब तो हो गया, खुद पे ही बैकफायर करेगा। बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा नहीं है, क्या करूँ, रिस्क नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। अरे भाई ओके ओके ओके, तुम्हारा समय आ चुका है, अराकेटिक्स खत्म, क्रिटिकल हिट से खत्म कर दिया। सॉरिक्स है इसके पास, तो मेरे पास भी है एक एडवांटेज वाला अटैक। डायमंड रिवाइव से हम लोगों को एचपी थोड़ी सी बढ़ गई, डिफेंस बढ़ गई, तो अब एक अटैक में तो नहीं जाने वाला, कंफ्यूज कर दिया भाई। हाँ चलो, सर नहीं चक रहा है मेरे, महीने का मतलब है। और डायमंड स्ट्रांग होते हैं अर्थ के खिलाफ, इसलिए मैंने दो दो डायमंड टाइप लिया था। चलो इसका डायमंड फॉग करते हैं, उसके बाद हम लोग उस मकर वाला डायमंड का इस्तेमाल करेंगे, उसका भी पावर नाप लेते हैं। वो मेरे ख्याल से इसके पास होगा क्या, नहीं 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 नहीं, इसके पास कोई हमला ही नहीं है, और दिक्कत हो सकती है। चलो यही वाला हमला करते हैं। ओ अच्छा खासा डैमेज दे रहा है, लेकिन हॉन्ट अटैक से जाएगा। और मकर के पास ये वाला हमला है, सक लाइफ है, तो उनकी एच पी सोख लेंगे और हम डैमेज भी देगा। अब हॉन्ट से वो जाएगा मेरे ख्याल से, ओ स्पॉट सोर्स से भी मतलब सर चकरा सकता है, लेकिन चकराया नहीं आखिरकार। ओके तो आखिरकार अर्थ लीट जो कि थोड़ी सी पत्थर का टोपी पहने हुए हैं और कपड़ा भी पूरा पत्थर का ही इन्होंने बनवाया है डिजाइन हल्का सा। और इसके सर में भी भेजा में भी पत्थर ही भरा हुआ है, मेरा कहने का मतलब है ये बेसिकली कारीगर वगैरह है। तो चलिए हम लोग ख़त्म करते हैं स्पाइक्योलिक्स का, थोड़ा सा गुस्सा दिला दिया हम लोगों ने, पीली बेरीज खिला दिया इन्हें। और आखिरकार हम लोग इसे ख़त्म करने वाले हैं, और हम लोग बस यार बहुत ये लोग टाइम हम लोगों का स्लो कर रहे हैं, मतलब पकड़ ना ले, बस मुझे उसका डर है क्लाउड पकड़ ना ले, इतना हम लोगों का टाइम मतलब वो लोग स्पेंड करवा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ मिलियन वगैरह है, तो देखते हैं कुछ भी हो सकता है। क्लाउड है, मैनिफेस्टो तो भाग चुका है, कहीं मैनिफेस्टो ना आ जाए बीच में, देखते हैं बस। ओह ये क्या हो रहा है, अरे भाई ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो फाइटिंग का सीन भी यहाँ पे क्रिएट करने का कोशिश किया गया है, जो कि काफ़ी ऑसम लग रहा है। आई मीन अमेजिंग, दैट्स ऑसम। ओके लुक द चाइनीज, ओके ओके ये फाइट कर रहे हैं कुंग फू। ये बोल रहे कि मैं कुंग फू आपको दिखाती हूँ कि कैसे कुंग फू खेला था। क्लाउड बेचारा तो फंस जाएगा यहाँ पे। ओके तो ये बोल रहे कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सिर्फ कुंग फू स्टाइल में ही हरा सकते हो, अभी कंगा बूम कुंग फू इस्तेमाल करो। ओके भाई कप्पा टो आ चुका है, ये छोटा सा भाई तू यहाँ पे क्यों है, आई मीन कप्पा टो को भाई थोड़ा सा नदी वाला एरिया में होना चाहिए। ये लोग गजब का फाइट कर रहे हैं, मेरा कह रहे मतलब फायर रिलीट आ चुके हैं, तो हम लोगों को स्ट्रेट, अरे नहीं 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 ये अर्थ और फायर के खिलाफ सेम काम करता है, तो लेकिन हम लोग एक वाटर टाइप रख लेते हैं। वाटर टाइप में ये टिक जारी सबसे पहले आता है,
क्योंकि हम लोगों ने एटिक जर को पकड़ा हुआ था सबसे आगे में। मेरे कहने का मतलब है, हाँ राइनोडिस अच्छा है, मेरे कहने का मतलब उसके स्किल कॉम्बिनेशन वगैरह काफ़ी अच्छे। ये लोग काफ़ी फाइट करो आप लोग, हम लोग बस बहुत करीब आ चुके, बहुत अच्छा है। ये लोग मतलब इनको उलझाए हुए हैं, फाइट में व्यस्त है, तो ये लोग चाइनीज ड्रैगन को वीक नहीं करेंगे अटैक से और पकड़ेंगे नहीं, तो उससे पहले हम लोग पकड़ लेंगे। बॉस आप कर सकते हो, चाइनीज योद्धा को जल्दी हरा और उस ड्रैगन को वीक करो। लेजेंडरी एंशियंट और पौराणिक डायनामोन सिर्फ एक ही है इस पूरे दुनिया में और हम लोगों को ही पकड़ना होगा कैसे भी करके। देखते हैं, चलो हम लोग अभी ये हीरो का कोहरा, हीरो का कोहरा से उनकी अटैक मतलब उनकी डैमेज तो होने नहीं लगेगा लेकिन बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, उनकी अटैक डिफेंस एम सारा कुछ कम होगा जो कि काफ़ी कमाल की बात है। और देखते हैं हमें डिफेंस कम करने वाली एक हमले आ चुकी है क्योंकि वो लोग मतलब नीली बेरीज का इस्तेमाल वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और अटैक अगर पावर पेपर खिला दिया तो उनकी अटैक तो अपरंपार हो जाएगी, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ने वाला है वैसे बेसिकली। तो देखो अटैक बढ़ाया, अटैक की स्टैट्स उनकी पूरी फुल हो चुकी है, उससे भी ज़्यादा बढ़ता होगा मेरे ख्याल से, या फिर नहीं पता उतना ही 100% होगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा अटैक। उसकी एम हम लोगों ने काफ़ी कम कर दिया तो मिस होने के चांसेस है, लेकिन रेज रूट कर लिया तो रेज रूट से भाई गुस्सा होगा तो मिस ही नहीं होगा अटैक, ऐसा होता। ओके हम लोगों के पास बैकअप है एक, वो आरागोरिक्स, तो हम लोगों की अटैक वगैरह भी अभी कम हो गई अगर अभी के समय में, तो उनके दो डायनामोन को संभाल लेगा, अकेले संभाल लेगा आरागोरिक्स, इतना मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। और वैसे स्किन का ज़्यादा असर होता नहीं है, बस लुक के लिए ही है। चलो हम लोग कुर्बान कर देते हैं अपने राइनोडिस, तुमने बहुत अच्छा लड़ा, वापस आ जाओ राइनोडिस, अभी नहीं बोलेंगे मतलब थोड़ा सा लेट से बोलेंगे, हाँ राइनोडिस वापस आ जाओ मेरे दोस्त, तुमने बहुत अच्छा किया। अब इसको चूज करते हैं, आराकोटिक्स भी अच्छा है भाई, आराकोटिक्स के स्किल कॉम्बिनेशन वगैरह अटैक वगैरह आ रहे हैं अच्छे खासे, आराकोटिक्स का आया ही नहीं था मतलब डैमेज वाला हमला, अच्छा खासा पॉइजन बाइट है और सोनिक शॉक है तो उससे कितना ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, तो इसलिए मैं नहीं करना चाहता। हेल फायर कर दिया, इनफ्लेम करता तभी वो बच पाते, मतलब थोड़ा सा अटैक बढ़ाता अपना और एचपी भी हील होती। ओ कत्तू वाला डायनामोन लेके आया है जो कि हैलोवीन इवेंट में आया था, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये हैलोवीन वाला डायनामोन है, तो ये एक्सक्लूसिव डायनामोन है, लेकिन फिर भी इन्होंने पकड़ लिया, नहीं पता कैसे, ये लोग भी इवेंट अटेंड किए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि ये मैप वगैरह में नहीं मिलता, दुनिया वगैरह में नहीं मिलता है, ये एक्सक्लूसिव होता है बेसिकली हेल वर्ल्ड वगैरह अगर मेरे ख्याल से। हाँ और वो न्यू दुनिया नहीं था जो गोल्डन कुछ करके था, हम था गोल्डन टेम्पल या कुछ तो था उस, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वो एक मैप है जो कि जिसके अंदर का लुक पूरा सुनहरा सोना ही सोना होने वाला है, मतलब सोना मेरा कहने का मतलब गोल्ड आपको नहीं मिलेगा वह उस, मतलब गलत फहमी में नहीं रह रहा, उसका लुक होने वाला थोड़ा सा सोना टाइप का, डिज़ाइनर जो होगा वो हल्का सा गोल्ड टाइप का डिज़ाइन करेंगे तो अच्छा होगा, और उसमें समसम हम लोगों को समसम के साथ बैटल करने का मेरे ख्याल से मौका मिलेगा जो कि डार्क मैजिक्स का किंग बोल सकते हैं, डार्क मैजिक का मास्टर बोलना बेहतर होगा, किंग नहीं ठीक ना, किंग मतलब रूल करना तो मास्टर्स ओके, और फिर वही डार्क एलीट वगैरह भी है तो, लेकिन देखते हैं एलीट्स वगैरह अगर हम लोगों के साथ हो गई, अगर समसम उन लोग के साथ हो गया, क्योंकि एलीट्स अच्छे हैं बस वो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए, बस क्लाउड के लिए पैसे वगैरह के लिए। और बॉरिस जो है वो वाला अभी आया नहीं है, बॉरिस का एंट्री नहीं हुआ जब तक, मतलब न्यू प्लेयर्स वगैरह खेलेंगे तो उनका तो एंट्री गोल्ड सिटी वगैरह में हुआ था मेरे ख्याल से, इसलिए चलो हम लोगों ने फायर एलीट को भी हरा ही दिया। ओके आखिरकार फायर एलीट को हरा दिया, अब चलो आखिरी एलीट था ये, सारे को हम लोगों ने हरा दिया, डार्क को हिला मतलब हरा दिया पूरी तरीके से, और वाटर को हरा दिया मतलब हिला ही दिया भाई इन लोगों को, और ये लोग हिल रहे हैं देख लो आप लोग, यहाँ पे इधर से इधर बैटल कर रहे हैं पूरी तरीके से। ओह तो ये बोल रहा कि मैं मास्टर इन टाइक्वांडो, ओके तो मैंने पिछले अपने वीडियो में बोला था कि मुझे भी एक दो मतलब दांव पेच आते हैं टाइक्वांडो के, ओके और मेरे टाइक्वांडो मूव्स तुम्हारे कुंफू को जरूर हरा देगा। देखो मैं भी जब थोड़ा सा मूवीज वगैरह ये लोग देखता था कुंफू वाला, थोड़ा सा कुंफू हसल वगैरह ये बहुत सारा मूवीज वगैरह है, तो मैं भी ट्राई करता था फीस्ट फैंग कुछ कुछ अलग अलग नाम वगैरह होता था, तो वो लोग भी ट्राई करता था, काफ़ी मज़ेदार था, मतलब क्या था कोबरा टेक्निक था, कैट टेक्निक अलग अलग था, मैं कभी हार नहीं मानूंगी ओके।
तो इसीलिए मुझे भी थोड़े बहुत दाव पेंच आते हैं। ओके 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 इसका क्लास ओके। और यहाँ पे आतिशबाजियाँ वगैरह हो रही है और यहाँ पे ये लोग बैटल कर रहे हैं। चक भाई तू क्यों आया चक? तो ये बोल रहा है कि मैं इस प्राचीन लेजेंडरी डायनामोन को पकड़ूंगा और मिलियन को इम्प्रेस करूंगा। चल फट। कैसा करता है भाई, क्या क्या करते रहते हैं। मतलब चक में तो भाई इसलिए गुस्सा आता है इतना, ये मेडक वाला डायनामोन इसका इवॉल्व हो गया तो सोच रहा है कि हम लोगों को हरा पाएगा। लेकिन अब ये रहा नोट सिंक सिंह, मतलब हीरो की सिंह, मतलब मेरा कहने का मतलब है डायमंड आई मीन राइनो फोर्स था बेसिकली। सोनिक सॉक हवा वाला हमला जो कि बहुत बेसिक हमला होता है, सबसे पहले वन लेवल या टू लेवल पे यही खुलता है हर एक डायनामोन का। वो रेत रूट लेके आया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसको हराना बहुत चुटकी का खेल होने वाला चक को, क्योंकि इनके पास वीक वीक डायनामोन है ये मेडक वाला। इसका जीव इतना ज़्यादा लंबा हो चुका है, टोडरिक्स का वर्ल्ड टू वर्ल्ड था, वर्ल्ड टू वर्ल्ड का जीव थोड़ा सा कम लंबा था लेकिन इसका जीव बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया है। देखते हैं हम, लेकिन इसका जो अराकडिक्स का लुक है, मैं लुक वाइज इसको ठीक ठाक रेटिंग दे सकता हूँ। मतलब मैं पूरा रेटिंग नहीं, मतलब 10 है तो 7 out of 10 दे सकता हूँ, क्योंकि जो इसके पुराने डायनामोन्स वगैरह है मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, वो काफ़ी कमाल दिखते हैं। आई मीन हो गया हॉपचॉप हो गया, वो क्यूट भी है अच्छा भी है। मेंजा हो गया, मेंजा तो भाई स्टार्टिंग है तो वो होगा ही। और वैंगो का थोड़ा सा साइज बड़ा होता और थोड़ा सा कुछ ये लोग वर्क कर सकते थे, मेरा कहने का मतलब है, तो इसको 7.5 दे सकते हैं लगभग, तो समझ ही सकते हो। तो वही बात है बेसिकली। और मुझे लगा था उसका याद आ गया स्पाइडर मंकी का हल्का सा। चलो हम लोग चक को भी जल्दी से हराते हैं। भाई ये भी आ गया, ये लोग बहुत टाइम हम लोगों का करेंगे, प्लीज़ वो लोग पकड़ ना ले। अब ये हीरो की ये जो डायमंड स्काई है, आसमान से डायमंड का पत्थर फेंकता है, तो इन लोगों का सर चकरा सकता था लेकिन ये वाला डायमंड का चक्कर आया नहीं सर। और मेरे ख्याल से आने वाले समय में मैं बता नहीं सकता, श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये लोग डायनामोन को फ्लाई इफेक्ट देने का कोशिश कर सकते हैं। आई मीन डायनामोन हल्का सा पंख मतलब फरफराता वगैरह रहेगा, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक आ सकता है आने वाले समय में अगर डायनामोन वर्ल्ड इवॉल्व हुआ तो। और जो कि जाहिर सी बात है आप लोगों को हल्का हल्का चेंजेस देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग में आप लोगों को मैप में थोड़े बहुत आतिशबाजियाँ वगैरह देखने को मिला, आने वाले समय में वो लोग झरना में भी इफेक्ट वगैरह डाल देंगे, जो रिवर फॉल्स है और माउंट क्रेम्बो वगैरह एरिया है तो उसमें भी डालेंगे मेरे ख्याल से, हो सके तो वहाँ के लावा फ्लो जो होते हैं वो सब भी कर सकते हैं धीरे धीरे। और वो होगा ही आने वाले समय में, जाहिर सी बात है वो लोग वर्क कर रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं मतलब इम्प्रूव करने के लिए गेम को, और इवोल्यूशन वगैरह भी देते जा रहे हैं टाइम टू टाइम, जिससे कि जो नॉर्मल प्लेयर सब है वो लोग भी कर पाएँ। और स्टैट्स वगैरह उनका मतलब मैनेज वो लोग करेंगे, ज़्यादा ही बढ़ा दिया है तो वो लोग कम करेंगे हो सके तो, नहीं तो लेजेंडरी टाइप को थोड़ा सा ताकतवर बनाएंगे। अरे भाई ये क्या हो गया, चाइनीज ड्रैगन कहाँ चला गया? ओ भाई सब, ये चक में इतना गुस्सा आ रहा, चक के कारण नहीं गया, चक के साथ बैटल हुआ तब से ही। चक रास्ते से हट जाओ, मुझे अपनी बेटी के पास जल्द से जल्द जाना। इसकी बेटी कहाँ गई? वो बेचारी हार गई, बेचारी बच्ची है तो क्या करेगी बताओ। क्लॉड के साथ जाएगी, भाई क्लॉड बड़ा गुंडा है। मिलियन तुम ठीक तो हो ना? अरे हाँ मिलियन क्या तुम ठीक हो ना? ओके तो ये अपने फादर से बोल रही है, काय से। ओह मेरे पैर में हल्का सा चोट लग चुका है, ओके हमें मलहम पट्टी थोड़ा सा करना होगा। मिलियन का हल्का सा लगता है, आई मीन मैं क्लॉड को नहीं रोक पाई, क्या उसने पहले ही चाइनीज ड्रैगन को पकड़ लिया है? अरे भाई यार प्लीज मिलियन, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई क्लॉड के मतलब अगेंस्ट, ओके क्लॉड के खिलाफ, और तुमने मुझे बहुत बहुत गर्व महसूस कराया अपनी बेटी को ये बोल रहा है। ओके चलो, ओहो हो तो ये मतलब ओ भाई भाई इसने पकड़ लिया मेरे ख्याल से क्लॉड ने, इतना ज़्यादा लेट करवा दिया हम लोगों को। लेकिन अभी भी हमारे पास एक मौका है, क्लॉड को हराओ और चाइनीज ड्रैगन को पाओ भाई सब। और मिलियन चली गई बेचारी तो हम लोगों को देख नहीं पाएगी, तो हम लोग थोड़ा सा सरप्राइज कर देंगे हो सके तो पकड़ने के बाद, तो हम लोगों को तैयार हो रहा होगा। चलो रेडी गेट। ओ देखते हैं फायर टाइप रख ले क्या? आई मीन फायर टाइप है तो हम लोगों को वाटर टाइप रखना होगा, और एक अर्थ एक डायमंड टाइप रख लेते हैं, इसका हमला देख लेते हैं। तो इसके पास हमले हैं ये सभी, और इसके पास भी ऐसे राइनो फोर्स है तो रख ले क्या, ये रख लेते हैं।
नहीं 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 इसे ही रख लेते ओके। और मेरे ख्याल से एक डार्क टाइप में इरेजियन को रख लेते हैं, इरेजियन वारियर। चलिए अब हम लोग तैयार हो चुके हैं अल्टीमेट बैटल के लिए। वाह मैंने ऑलरेडी ओके काय अपनी पूरी जिंदगी भर फेल होता रहा है उस ड्रैगन को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो कमजोर था, उसे ताकत की मतलब कोई भनक नहीं थी, मतलब कि इतना भी ताकतवर बना जा सकता है, और मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूं, और मैं इस चाइनीज ड्रैगन को पकड़ने में कामयाब रहा, और अब ये मेरी बात सुनेगा। भाई साहब बहुत मुश्किल होने वाला है। लड़के क्या तुमने कुछ कहा? तुम कमजोर हो क्लॉड, हम लोग तुमसे ताकतवर है, और हम ही डिजर्व करते हैं उस ड्रैगन को, क्योंकि जो ताकतवर होगा उसे जीत मिलेगी और वो ड्रैगन उसका ही होगा। क्या तुम मुझे चाइनीज ड्रैगन के लिए चैलेंज करना चाहते हो? और तुम्हें लगता है तुम मुझसे जीत सकते हो जबकि मेरे पास ये चाइनीज ड्रैगन है लेजेंडरी टाइप? ओह मैं तुम्हारा चैलेंज ओह बहुत ज्यादा ये ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है। ओहो देखते हैं भाई ये अपने ओहो मेरे ख्याल से वो चाइनीज ड्रैगन का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये बोला है कि जिस डायनामोन से वो चाइनीज ड्रैगन को हराया है उससे वो मतलब उसका इस्तेमाल करके बैटल करेगा। तो चलो हम लोग अभी बर्फीली हवा का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनका अटैक कम हो जाएगा, जो कि उसका आने वाला इनकमिंग अटैक हो। ओ भाई अटैक कम होने का फायदा क्या जब वो लोग भाई गुस्सा वाला बेरीज ही इस्तेमाल कर लिया। ये लोग अनफेयर फाइट करते हैं मेरे ख्याल से थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं हमारी कम से कम डिफेंस तो इन्होंने वो भाई कितना गुस्सा दिलाएगा बहुत अच्छा है। लेकिन ये बैटल थोड़ा सा इजी होने वाला है क्योंकि इनके पास पीली बेरी होने वाली है जिससे कि वो लोग सिर्फ अपने एक टाइम के लिए अटैक ही बढ़ाएंगे, एक टाइम के लिए ही, तो जो कि काफ़ी मतलब अच्छी वाली बात है। और इसके पास ओके मैं अरागोनिस को बचा के रखता था। डैमेज अच्छा खासा हमें दे दिया, अटैक इसकी थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है जोनाइसस की, नहीं पता क्यों, क्योंकि 55 लेवल 50 लेवल का था फिर भी इतना ज़्यादा हमला मतलब करके डैमेज दिया था। इरेजियन वॉरियर, चलो अभी डबल बाइट से करते हैं जोनाइसस को। हम लोगों ने उसके हाफ एच पी हो चुकी, हॉन्ट उन्होंने भी हॉन्ट कर दिया। ओके मेरे पास एक तरकीब है, हम लोग ये रेज इस्तेमाल करते हैं, इन रेज इस्तेमाल करने के बाद हमारी अटैक बढ़ेगी और हम लोगों को नेचुरल गुस्सा आएगा और हम लोग एक हमले में ख़त्म करने वाले हैं। हॉन्ट हमला करना चाहिए, चलो हॉन्ट ही करते हैं। हमारी अटैक काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो मेरे ख्याल से इसका जो आने, अरे भाई नहीं 55 लेवल का लेके आ गया, 3 बंकर बेरी आ चुके हैं। ये बिल्कुल मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है, अब ये मेरा पार्ट 2 है प्लान का। ओ भाई बंकर बेरी का लेके आ गया मैं, अब मैं समझ चुका हूँ इसके थर्ड वाले के पास भी कोई होने वाला है बेरीज, तो इसके पास पावर पेपर हो सकता है मेरे ख्याल से, तो मेरे ख्याल से इसका अटैक बढ़ाना चाहिए। मेरे ख्याल से अटैक बढ़ा देते हैं और उसका डिफेंस कम करने का हम लोग मतलब क्या करें मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो मेरे पास थोड़े बहुत ओहो डैमेज अच्छा खासा दिया लेकिन डिफेंस बढ़ा दिया, नहीं मैंने गलती कर दिया। ओस मुझे इन रेज रूट का इस्तेमाल करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं होता, वैसे भी रेज रूट का इस्तेमाल करने के बाद अगर सकलाइफ करते तो ज़्यादा एच पी जाता, तो लेकिन वो लोग ईटिंग ब्लंट कर ही लिया फिर से भी, तो इतना फ़ायदा नहीं। वो लोग तीसरा बंकर बेरी खा लिया तो वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। आई मीन इसको थोड़ा सा ताकतवर हम लोग को पीठ पीछे उसको बनाना पड़ेगा, तो हम लोगों को एक बंकर बेरी और एक अटैक पेपर, सॉरी हम लोगों ने दो बंकर बेरी मतलब और एक पावर पेपर खिला देंगे एक और, तो हो जाएगा मेरे ख्याल से ताकतवर, क्योंकि इसका थर्ड वाला डायनामोन के मेरे ख्याल से पावर पेपर ही होगा, पावर पेपर ही होगा, क्योंकि पहला वाला रेज रूट था, दूसरा वाला ये बंकर बेरी प्लान टू मतलब बोला है, तो बंकर बेरी लेके चलो 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 बहुत साना बन रहा है ना क्लॉड, बहुत साना बन रहा है, बहुत ताकतवर बन रहा है। मेरे ख्याल से ये इसका आखिरी नहीं इसके बाद भी इसका एक डायनामोन होने वाला है, देखते हैं। मेरे ख्याल से अब हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए क्योंकि हमें रिस्क नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर फायर टाइप डायनामोन हुआ तो हम लोगों को इस पे एक हील स्प्रे का इस्तेमाल करने के बाद हरा सकते हैं, तो अच्छा होगा। हाँ बैटल तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है मैं इतना बता सकता हूँ। बहुत अच्छे, हम लोगों का बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है, हमें कोई रिस्क नहीं है भाई, हमारी अटैक भी ज़्यादा है डिफेंस भी ज़्यादा है उनसे तो ज़्यादा। रॉक सेल कर दिया ना, चलो डायमंड फॉग बचा के रखते हैं। नहीं चलो बचाने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो लोग अभी रॉक सील्ड किया है, तो हम लोग अभी उनकी अटैक और डिफेंस वगैरह कम कर देंगे, तो नहीं तो फिर सोलर फ्लेयर
मेरे ख्याल से अब खत्म करने का वक्त आ चुका है। नहीं 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 ज्यादा डैमेज नहीं देगा, मुझे इतना यकीन है, क्योंकि वो अर्थ टाइप अटैक है तो हम लोगों पे ज्यादा असर नहीं होगा, फालतू का क्यों इस्तेमाल करें। ओके चलो आखिरकार वो मेरे ख्याल से जाएगा, क्रिटिकल हिट गया तो पॉइंट एचपी पे वो बच चुका है, वाइन स्क्वीज कर दिया। चलो वो वाला हमला नहीं किया, अब हम लोग उसके पॉइंट एचपी से ही हम लोग अपनी इतना सारा एचपी हील कर लिया। ओ भाई ये थोड़ा सा इसका थोड़ा हल्का सा बादल वाला लुक दिया गया है, जैसे कि वो थोड़ा सा बहुत बड़ा है तो आसमान तक इसका सर गया हुआ है, इसका काफी अच्छा है, मतलब मैं बता सकता हूँ। ओ हो ड्रैक्सीगस इसका नाम भी अलग। ओके गाइस देख सकते हैं इसका फर्स्ट लुक, आप लोग देख सकते हैं काफी कमाल का बनाया गया है। आई मीन इसमें जो दिमाग अच्छा खासा लगाया गया है, इतना बड़ा जो साइज था उसको कैसे दिखाया जाए, तो ये इसमें हल्का सा एनिमे वाला जो बादल होता है क्लाउड उसका लुक दिया गया है, जिससे कि इसका सर हल्का सा बादल के ऊपर है। आप लोग समझ सकते हैं कितना ज्यादा बड़ा होगा, इसके पास कौन सा हमला होने वाला, बड़ा होने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आई मीन फिर से एक ही स्प्रे करेगा, नहीं 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 हरा देगा, मुझे इतना यकीन है। टीडोनिक्स भले कितना भी छोटा हो फुर्तीला होता है, इसके पास हील स्प्रे तीन तीन लेके आया था, मुझे लगा कि पावर पेपर लेके आएगा, और हमने अपने काफ़ी ज़्यादा टाइटेनिक्स को ताकतवर बना दिया है, इसलिए इसका असली पावर हम, ओ भाई काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा है, इसका हम लोग पकड़ कैसे मिलेगा, हम लोगों को हम लोग कैसे पकड़ पाएंगे, क्या हमें ये वापस दे देगा क्या, या हम लोग इससे पावर का इस्तेमाल करने के बाद लेंगे। ओके मेरे ख्याल से अब चलो इस्तेमाल करते हैं अरागोनिक्स का भी देख लेते हैं, और अरागोनिक्स का ये वाला जाएगा, अगर ये वाला हमला हम लोगों ने किया तो एक बार में ही जाएगा, अगर ये वाला हमला कर दिया तो हील स्प्रे कर ही लिया भाई, मतलब एक्स्ट्रा हिट जाएगी, 50 लेवल का ही था ड्रैक्सीगस, अगर 55 लेवल का रहता तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, ट्राई करते हैं। एक्स्ट्रा और क्रिटिकल हिट दोनों गई थी, नहीं बच गया। चलो हम लोग चेंज करते हैं अपने डायरमोन को, क्योंकि हमला भी कुछ अच्छा खासा नहीं है अभी अभी। वो लोग एक और हम मतलब हील स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम लोग इसका 55% से अगर उसका एचपी कम हुआ तो अब मेरे ख्याल से वो करेगा, तो मेरे ख्याल से अब वो जाएगा, क्योंकि उसकी डिफेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। अब एक बार अगर हील स्प्रे भी किया तो वो लोग मेरे ख्याल से इससे जाएगा, मुझे जाएगा या नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, मेरे साथ बहुत बार हुआ हुआ है तो इसलिए गड़बड़ हो गई, बैकफायर नहीं किया तो वो लोग जाएगा। नहीं खुद पे ही बैकफायर कर दिया, कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्या करूँ। नहीं 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 मैं इस्तेमाल एंटीडॉट का इस्तेमाल कर लेना। ओके काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दिया था, लेकिन वो डायमंड स्क्रैच रहता तो जाता। चलो ये वाला अगर हमला किया तो हम लोग को फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि हमारी ही एचपी हील होगी। ओ अगर बैकफायर भी होता तो हमारी एचपी हील होती, एचपी कम नहीं होती, इसका बैकफायर होने का फायदा होता है ना कि नुकसान। ओ यही वही वही ताकतवर हमले सब बैकफायर कर रहा है हम। ओके खुद सीख कर दिया इन्होंने, आखिरकार ड्रैक्सीगस इसका नाम होने वाला, इसको ऑल अरेना में इस्तेमाल करेंगे इसको, प्लीज हम लोगों को दे दो भाई, दे दो दे दो दे दो, हम लोगों ने क्योंकि अपना पावर का इस्तेमाल किया है तो हो सके तो हम लोग छीनने वाले हैं। आखिरकार 50 लेवल का ड्रैक्सीगस हमें मिल चुका है, इसको 55 में करते हैं, इसका अल्टीमेट अटैक खोलते हैं, इसका सबसे ताकतवर वाला हमला 55 लेवल पे। कैसे कैसे ये कैसे हो सकता है, तो मैंने इतना कमाल का प्लान बनाया था लेकिन फिर भी मैं इस बच्चे से हार गया। ओहो हमें ये कम समझ रहा है, और मैं अपने मतलब जवान का पक्का आदमी हूँ। ओहो कमाल कमाल के मतलब डायलॉग बोल रहे हैं, और इस बार तुम जीत गए इसलिए चाइनीज ड्रैगन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन इस दुनिया में और भी बहुत सारे डायनामोन्स हैं जो कि इससे भी ज़्यादा कीमती हो सकते हैं, मैं उसे पकड़ूँ। ओके हाँ 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 मैंने वैसे ही बोला था, लेकिन इसमें उन्होंने डाला है, मैं अपना सबसे ताकतवर डायनामोन का तलाश करता रहूँगा भाई। ये तलाश करते करते में जो जीनिक्स कैद किया गया था मतलब बहुत मतलब ताकतवर जादूगरों के द्वारा तो उसको आज़ाद कर दिया था ताकत के मतलब तलाश में, लेकिन इस वाले डायनामोन को भी पकड़ सकता था जीनिक्स, और इसमें तो होगा तो जीनिक्स ही जीतेगा, आई मीन जोनाइसस ही जीतेगा। ओह और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सीक्रेट बताने वाला हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओ तो ये सीक्रेट प्लान, इसका मतलब ये डायनामोन के बारे में। ओके मिलियन आ चुकी है अपना हुलिया बदल कर, लड़के तुमने कर दिखाया और तुमने चाइनीज ड्रैगन को हरा दिया, वाओ क्लॉड। ओके क्लॉड के चाइनीज ड्रैगन को हरा दिया, मिलियन साथ रहो बेटी साथ रहो, तुम्हारे पैर थोड़ा सा ही हो जाएगी, ओ बेचारी के पैर में थोड़ा सा चोट लग चुका था,
तो ये बैंडेज वगैरह लगा दी है, मलहम पट्टी कर दी है, नहीं तो हम लोग को ही मलहम वगैरह मतलब खरीदना पड़ता, मरहम वगैरह खरीदना पड़ता है दुकान वगैरह से, उसके बाद हम लोग मरहम पट्टी करते हैं उनका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शहर को बचाने के लिए। लेकिन वो चाइनीज ड्रैगन अगले साल नहीं आ पाएगा, लेकिन हम लोग रिलीज़ कर देंगे, मतलब एक समय के लिए रिलीज़ कर देंगे चाइनीज ड्रैगन में अगर हुआ तो। और फिर देखते हैं ब्लेसिंग्स वगैरह मिले तो उसमें कॉइन्स वगैरह कुछ ऐसा इवेंट सिस्टम उन लोग डाल सकते हैं कि चाइनीज़ फेस्टिवल के टाइम में हम लोग चाइनीज़ टाउन में वो ड्रैगन को छोड़ दें और हम लोगों को कॉइन फार्म होते रहे टाइम के साथ साथ। ओके तो ये ओ बेचारी ओ नो 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 गड़बड़ हो गया, हम लोगों ने सोचा था मिलियन सफ़र पे हम लोगों के साथ जाएगी ये लोग, लेकिन इस शहर को, लेकिन इस शहर को इसकी ज़रूरत है चाइनीज़ योद्धा के तौर पे। गड़बड़ हो गया भाई हम लोगों को, लेकिन एक साथ ही चाहिए था, मतलब ट्रैवल करने वाला थोड़ा सा होता है। लेकिन मुझे मैं हैरान हूँ कि क्लाउड किधर जाएगी, मतलब जाएगा। ओके क्या हम तुम्हें तुम पे विश्वास कर सकते हैं कि तुम उसे रोक पाओगे और दुनिया को बचा सकोगे? मैं तब तक चाइनीज टाउन को, ओ भाई साहब आखिरकार हम लोगों को मिल चुका है वो लेजेंडरी डायनामोन जो कि काफी कमाल का है। चलिए 600 सिक्के हैं उनको क्लेम कर लेते हैं और उसका फर्स्ट लुक देख, मतलब फर्स्ट लुक तो देख चुके हैं लेकिन इसका ऑनलाइन अरेना में फर्स्ट लुक देखने वाले हैं, इस्तेमाल करेंगे ऑनलाइन अरेना में, काफ़ी मज़ा आने वाला है। बैटल देखते हैं, एक्सप्रेशंस देखते हैं, जो न्यू प्लेयर्स वगैरह होंगे उनका एक्सप्रेशंस देखेंगे कि कैसा होगा, बस रियल प्लेयर आ जाए। तो ये रख लेते हैं हम लोग ड्रक्सीगस, इसको शायद कर लेते हैं मैक्स लेवल पे। ओ ये लेजेंडरी ओके इसका आखिरी वाला हमला वही काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। चलिए देखते हैं ड्रक्सीगस, लेजेंडरी लुक भी है इसका, मतलब मैं बता सकता हूँ। हाँ वॉल्केनो खुला, आई मीन वॉल्केनो का एक और एक स्किल कार्ड खुल चुका है तो वॉल्केनो ज़्यादा बार अपीयर होंगे, खुला हुआ पहले। ओ नहीं 52, 53, 54, 55 अलग अलग हमले खुलेंगे, तो ये पांच में ही ताकतवर ताकतवर इनके हमले खुलने वाले थे, नहीं तो क्लॉड के पास ही आखिरी वाला हमला आ जाता तो काफ़ी मुश्किल होता। इसका लुक मैं बता रहा हूँ काफ़ी कमाल का, आई मीन ये जो दिमाग लगाया गया है, मतलब इतना बड़ा साइज, मैं भी सोचता था कि इसका बड़ा साइज कैसे दिखाया जाएगा, तो इनका पूरा बॉडी नहीं दिखाया गया है, इनका सिर्फ हेड दिखाया गया है अबव द क्लाउड, मतलब बादल से हल्का सा ऊपर का हिस्सा दिखाया गया है जो कि काफी अच्छा। लेकिन इसका बैक साइड कैसा होने वाला है वो सब भी हम लोग ट्राई करेंगे। चाइनीज फेस्टिवल को हम लोगों ने साथ में ही मतलब ख़त्म किया है, फिनिश किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे मतलब ऑडियंस है जो कि मतलब हम लोगों को देख रहे हैं बहुत स्टार्टिंग से ही चाइनीज फेस्टिवल के, तो गोल्डन टेम्पल का जो गेम प्ले होगा वो भी हम लोग साथ में ही खेलेंगे क्योंकि साथ में खेलने का थोड़ा सा मज़ा आता है। तो ये देख सकते हैं इनफर्नो आ चुका है, ओके तो काफ़ी तगड़ा डैमेज देगा, हमारी एम बढ़ाएगा और ओपोनेंट के अटैक और डिफेंस दोनों जो कि मेन चीज होते हैं, समझ रहे हैं, अटैक और डिफेंस मेन चीज होते हैं, वो दोनों कम करेगा। इन्फर्नो वाला हमला है, इसका देख के लुक देख रहे हो फायर बॉल की तरह लग रहा है हल्का सा, मुंह से आग की गोला फेंकता है। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं ड्रैक्सीगस का, और ये एक्सक्लूसिव डायनो, मतलब एक्सक्लूसिव नहीं बोलेंगे, ये पौराणिक और प्राचीन थोड़ा सा और लेजेंडरी डायनोमोन है, तो ये इवेंट्स वगैरह में मेरे ख्याल से नहीं आएगा आने वाले वक्त में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है इस डायनामोन के लिए, इसलिए चलिए हम लोग ऑनलाइन अरेना में अब इस्तेमाल करने वाले इस कमाल के डायनामोन का। ओके पांच पांच का रख लेते हैं, बॉट्स बस ना आ जाए उसका दिक्कत है हम लोगों को। हाँ और मैं इस गोल्ड टेम्पल के बारे में बात कर रहा था, तो स्टे अप टू डेट, तो फेसबुक फैन पेज आप लोग यहाँ पे मतलब ज्वाइन हो सकते हैं, और वैसे हम लोगों का सारा ये डायनाडेक्स कम्प्लीट हो चुका है वैसे। ओके 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 तो इसमें मेरे ख्याल से आ चुका होगा वो फायर टाइप लेजेंडरी, फायर में फायर वाला का, हाँ यहाँ पे आ चुका है। तो और ये वाला होने वाला है, ये गोल्ड टेम्पल है जो कि हम लोगों ने बोला था, यहाँ पे हम लोगों को हिंट वैसे मिल चुका था गोल्ड टेम्पल का, मैंने वीडियो बनाया हुआ था गोल्ड सिटी का गेम प्ले करते वक्त में, तो मैंने बताया था न्यू मैप गोल्ड टेम्पल तो आने वाला है वैसे, तो इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला, उसका लुक वगैरह काफ़ी ऑसम होने वाला है मेरे ख्याल से, ऑनलाइन अरेना में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं, चलिए ऑनलाइन अरेना में देखते हैं इस डायनामोन का पावर, बस बॉट ना आ जाए। अगर बॉट आया फर्स्ट टाइम में तो हम लोग अपने किसी सब्सक्राइबर को चुनेंगे अपने साथ बैटल करने के लिए, हाँ जिससे कि देखते हैं वैसे अगर बॉट आया तो, क्योंकि हमें रियल फील चाहिए समझ रहे हो, तो बॉट आया है तो हम लोग चुनने वाले हैं अपने किसी खास सब्सक्राइबर को,
चलो उसके साथ बैटल करेंगे, देखते हैं, और थोड़ा सा पावर टेस्टिंग वगैरह भी करेंगे। फेयर बैटल हो इसलिए उसको चूज बोलेंगे कि कुछ और उसके पीछे का लुक वैसे आप लोग देख सकते हैं। इसका पावर टेस्टिंग करेंगे, ये वाला हमला का भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए हम लोग अपने रियल फ्रेंड पे ही करने का मजा कुछ और आता है, मतलब रियल फ्रेंड के साथ बैटल करके ही मजा आता है। तो हम लोग फ्रेंडली बैटल करेंगे अपने किसी खास दोस्त के साथ और देखते हैं वैसे।